गुरुग्राम में टैक्स एसोसिएशन और सरकार के बीच हरियाणा में जीएसटी और वेट टैक्स को बढ़ावा देने के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें टैक्स पर सामने आ रही समस्याओं पर मंथन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टैक्स एडवोकेट से कहा कि टैक्स पेयर का विश्वास जीतना जरूरी है, इसमें टैक्स बार एसोसिएशन के अधिवक्ता सहयोग दें और ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर को जागरूक करें कि वो टैक्स भरे ताकि हरियाणा के विकास को और प्रगति पर पहुंचाने का काम किया जा सके। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी खजाने को भरने में टैक्स एडवोकेट हमारे सहयोगी हैं। आज हरियाणा का जीएसटी कलेक्शन पूरे देश का 6% कर रहा है। अपनी भूमिका केवल व्यक्तिगत मेरा व्यवसाय है भूमिका न माने, बल्कि सरकार जितना काम करती है, जो सरकार का दायित्व तो है, उसमें हम आपको सरकारी खजाने का पार्टनर मानते हैं। यू आर आवर पार्टनर्स। आखिर हम भी तो चुनाव जीत के आए, दायित्व तो मिल गया, मुख्यमंत्री बन गया, उप मुख्यमंत्री बन गया, कोई दूसरे मंत्री बन गए, कोई विधायक बन गए, सांसद हो गए, केंद्र में सरकार में चले गए। आप और हमारी भूमिका कोई ऐसा तो नहीं है कि नहीं हम केवल अपने व्यक्तिगत काम के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं। तो सामाजिक भूमिका ये हमारी सबकी बने और एक ईमानदारी से करदाता इस सिस्टम में आगे आए। जहां तक जीएसटी का विषय है, सारी बातें हुई हैं, फिर भी हरियाणा के अंदर जो जीएसटी का कलेक्शन है वो अगर तुलनात्मक देखा जाए तो देश में हमारी आबादी कितनी है, मात्र 2%। क्षेत्रफल कितना हमारा, 1.6%। लेकिन देश भर का जितना कलेक्शन होता है उस कलेक्शन में हम प्राप्त करते हैं 6%। तो हमारे योगदान जो जीएसटी हम यहां से संग्रह करते हैं उसमें केंद्र का भी हिस्सा रहता है, हमारा भी रहता है, व्यापारी का भी उसमें एक फैसिलिटेशन उसके अंदर जो करते हैं हम प्रदेश सरकार की ओर से, उसका व्यापार बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है तो उतना से टैक्स भी बढ़ता है। कभी कभी व्यापारी की ओर से एक बात ये भी आती है कि अमुक चीज है जिसका टैक्स ज्यादा है, कम होना चाहिए। मैं जिस ढंग से व्यापारी से बात करता हूं वो आपको जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि आपको भी हो सकता है वो मेथड लेना पड़े। व्यापारी को ये समझाना चाहिए कि टैक्स